हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका, जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है बाबू, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं, जो कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होता है। तो उसमें से हम अभी इतिहास का दुनिया और चैप्टर नंबर 2 का कवर कर रहे हैं, ठीक है बाबू। जिसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप आराम से आप एक तरह से बुझो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, यानी कि इसमें बाबू बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो देखो बाबू, हानि कुछ नहीं होता है, जहाँ तक कि लाभ ही होता है, ठीक है बाबू। तो चलो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही समझा पाएंगे बाबू, लेकिन आपके लिए किसी दिन ज़रूर किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकाल कर आपको फुल डिटेल्स में समझाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको 3-4 लाभ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बुक रीडिंग, ठीक है बाबू, बुक रीडिंग क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बाबू अगर आपके पास समय है तो फिर जाके बुक रीडिंग करो, ठीक है बाबू। लेकिन आप बुक रीडिंग नहीं कर पाए हो और आपके पास समय नहीं है, यानी कि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप यह कर सकते हो बाबू, यानी कि समाज, देखो अभी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है बाबू, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव याद करने से पहले आपको यह करना होता है कि जैसे कि अगर आपके पास समय है तो आपको, हम तो आपको पहले ही बोले हैं कि आप जाके बुक रीडिंग करो, लेकिन समय नहीं है तो बाबू जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे पाठ की मुख्य बातें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बाबू। तो आप यहाँ पे पाठ की मुख्य बातें भी अगर आप 2 से 3 मिनट समय देकर इसे पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव याद करो, ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव याद करने से पहले बुक क्यों रीडिंग किया जाता है, हालांकि हम आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में या फिर इससे पहले भी वीडियो में बताई होंगे बुक रीडिंग करने से कितना सारा फ़ायदा होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा हो जाता है, फिर एक तरह से क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों कवर हो ही जाता है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं बाबू। तो यानी कि बुक रीडिंग करना बुझो कि कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं बुक रीडिंग करना पसंद ही नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करने लगते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव एक तरह से बुझो कि रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही हो जाता है विद्यार्थी। जैसे कि रट्टा मारने से क्या फ़ायदा होता है बाबू, जैसे कि आप रट्टा मार रहे हो तो रट्टा मारने से तो ये कोई तय नहीं होता कि इसमें जो लिखा हुआ है हम वही क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि बुक रीडिंग है तो हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है बाबू। तो यानी कि आपको हम यह कहना चाहते हैं जैसे एक बार अगर आप बुक रीडिंग कर लेते हो बाबू, तो यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठा के दे तो आप आराम से उसे टिक मार सकते हो, ठीक है बाबू। तो यानी कि बहुत सारा लाभ होता है, तो यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि रट्टा मारने स्टार्ट कर देता, तो बाबू अब ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, होता है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है बाबू। तो अगर आप एक तरह से बुझो कि 350-400 नंबर के आसपास लाना चाहते हो या फिर उससे भी ज़्यादा लाना चाहते हो, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप ला सकते हो, बशर्ते आप थोड़ा सा मेहनत करना होगा बाबू, ठीक है। आप पढ़ाई से अगर तुम भाग रहे हो पीछे, तो फिर देखो बाबू पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता, ये सच्चाई बात है और हम भी समझते हैं, ठीक है बाबू। लेकिन एक तरह से बुझो कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना जिस तरह से होता है ना कि मान कर चलो कि खाना एक क्या उसको हम एग्जांपल में अगर एक तरह से ले ले, तो ये होता है ना कि जैसे कि आप प्यासा आदमी को एक तरह से बुझो कि एक तरफ दूध का गिलास दे दो और एक तरफ पानी का गिलास दो, तो वह सबसे दूध को छोड़कर यानी कि पानी ही आप पीना पसंद करेंगे, ठीक है बाबू। तो इसी तरह से यार एक तरह से बुझो कि तुमको एक तरह से ऑब्जेक्टिव दे दे और फिर एक तरफ तुमको बुक रीडिंग करने के लिए ले दे, तो यानी कि जो तेज़ विद्यार्थी होता है बाबू वो बुक रीडिंग करना पसंद करता है, ऑब्जेक्टिव रट्टा मारना उसमें उतना विश्वास नहीं रखता है। हालांकि बुक रीडिंग करने के बाद जिस तरह से आप याद करते ठीक उसी तरह से वो भी याद करता है, लेकिन मानकर चलो कि वो एक बार बुक रीडिंग कर लेता है वो पूरा कंफर्म हो जाता है। अगर मानकर चलो कि यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इससे पीछे रूस के कृषिकदास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो इसमें जैसे कि इसमें प्रश्न क्या है, पहला में 1861 ईस्वी दिया है, दूसरा में 1862 ईस्वी दिया है, फिर 1863 ईस्वी दिया, 1864 ईस्वी दिया है, तो यानी कि आप रट्टा मार के जाओगे बाबू। तो यही 1800 तो आप रट्टा कैसे मार के जाते हो, यानी कि ए में जैसे कि इसका आंसर होगा 1861 ईस्वी, ठीक है बाबू। यहाँ क में 1861 ईस्वी दिया हुआ है, यही अगर क का सीधे ख में रख देगा तो वहाँ पे बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता था और
टिक गलत मार के आ जाता है। ठीक है बाबू, यानी कि एक तरह से हम बुझो कि हम आपको किसी दिन इसके बारे में हम जरूर आपको फुल डिटेल से बताएंगे। ठीक है बाबू, तो यानी कि आप जो बुक रीडिंग किया रहता है तो उसको फिर 1861 ईस्वी को फिर क में रख दीजिए, चाहे ख में रख दीजिए, ग में रख दिए, वो सिर्फ 1861 खोज कर वो सही टिक मारेंगे। ठीक है बाबू, लेकिन जो रट्टा मार के जाते हैं उसको बस इतना ही याद रहता कि रूस में कृषिक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क याद कर लेंगे 1861। तो 1861 भले भूल जाए लेकिन क उसको याद ही रहता है। तो अगर वही क 1861 ईस्वी को ख ग में भेज दिया और फिर 1862-63-64 को क में रख दिया तो फिर तब पर भी वो क में आंसर एक तरह से बुझो कि मार के आता है। यही होता है, यानी कि रट्टा मारने वाला स्टूडेंट को एक तरह से बुझो कि कोई भरोसा नहीं, और जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन सेट करता है तो कोई पूर्वक नहीं रहता है बाबू। ठीक है, वो जैसे कि 1861 ईस्वी क में है तो उसको ग में ख में भेज देंगे, फिर 1862 को क में रख देंगे, मान कि हेर फेर कर देते हैं उसको, यानी कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज करने के लिए तो उसका मतलब एग्जामिनर का बस यही रहता है कि जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी है उसको कहीं भी रख दो, क में रख दो, ख में रख दो, ग में रख दो, च में रख दो, प में रख दो, ट में रख दो, कहीं भी रख दो, वो सही आंसर मारेगा ही। लेकिन जो रट्टा मार के जाता उसको तो यही रहता था कि क याद रखना, बस क में जाके अपना गलत सलत आंसर मार के चले आते हैं। तो आई होप आप अभी तक आप लोग समझ पाएंगे कि रीडिंग करना कितना जरूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाबू कि इसमें जो उसको एग्जाम के माने कि सॉरी क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं, एग्जाम कहा गया था, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन का हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप यानी कि बाबू इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो सब चंद्रिका से इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इसमें भी बहुत सारा प्रश्न छूटता है कि क्या सर हमें चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके अगर कोई भी एग्जाम में लिखते तो वहाँ नंबर काट लिया जाता है या फिर नहीं काट लिया जाता है, यानी कि उसमें कन्फ्यूज रहता है। और अलग अलग जो उसके जो पास 10th क्लास पास स्टूडेंट्स अभी तो वो सब भी यही राय देता है कि चंद्रिका से क्वेश्चन याद करके नहीं जाना, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। हालांकि खुद देखो कि क्या उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है बाबू, चलो हम तुमको बता देते हैं कि नंबर काटा जाता है कि नहीं काटा जाता, उसके बाद तुम सच्चाई तुम खुद जान जाओगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं बाबू कि अगर जैसे कि आप चंद्रिका से कोई भी क्वेश्चन याद करके जाते हो वहाँ कोई नंबर नहीं काटा जाता। ठीक है, किस तरह नहीं काटा जाता हम आपको एक मिनट में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो बाबू, जैसे कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है, सेट करने के बाद मान के चलो कि टोटल क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, सेट करने के बाद एग्जाम हॉल में भेज देते हैं। एग्जाम हॉल में यानी कि परीक्षा का डेट होता है तो आप लोग परीक्षा देकर आते हो, तो फिर जो आप लोग परीक्षा देकर आते हो तो फिर वो कहीं कॉपी चेक होने के लिए कहीं चले जाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग बोले कि चले सर यहाँ तक तो हम भी जानते थे कि परीक्षा देने के बाद आते हैं तो कॉपी कहीं और चेक होने के लिए चले जाते हैं, ये तो सिंपल बात है। तो देखो बाबू, जो सर चेक करते रहते हैं, ठीक है, तो जो सर यानी कि कॉपी चेक करते रहते हैं तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि यह विद्यार्थी जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर जो सर लिखा है तो वह लिखा है या फिर किसी गाइड से लिखा है या फिर किसी बुक से लिखा है, उसको ये सब मतलब नहीं रहता है बाबू। ठीक है, उसको सिर्फ यही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप कितनी अच्छी तरह से आंसर दे पाए उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिलता है। यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं सर उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप कितनी अच्छे तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखे हो उस हिसाब से आपको फुल नंबर, हाफ नंबर या फिर नंबर काट लिया जाता है, इस तरह से होता है बाबू। लेकिन जो कॉपी चेक करते रहते सर उसको कोई लेना देना नहीं होता कि वो चंद्रिका से लिखो या फिर किसी बुक से लिखो या फिर अपने मन से लिखो या फिर तुम किसी जो सर लिखाए थे वह लिखो या फिर किसी गाइड से लिखे हो, उसको ये मतलब होता ही नहीं बाबू। हालांकि हम आप जैसे कि पढ़ाई करते होंगे तो सर जो लिखाते होंगे वह कुछ और होते होंगे, गाइड में कुछ और लिखे रहते हैं, चंद्रिका में कुछ और होंगे, अपने मन से लिखेगा वह अलग अलग भाषा इस्तेमाल होता है। ठीक है बाबू, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका नंबर काट लिया जाता है। सिर्फ जो सर चेक करते रहते हैं कॉपी उसको इतना ही लेना देना रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख के आए हो उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिल जाता है। तो आई होप अभी तक आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है बाबू, तो आप इसे चंद्रिका आराम से खुल के इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं बाबू। ठीक है बाबू, और इसमें हम आपको किसी दिन जरूर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से फुल्ली आप आंख बंद करके यानी कि आप पूरे विश्वास के साथ चंद्रिका इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से नंबर प्राप्त कर सकते हो बाबू। ठीक है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल करो बाबू, और हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकालेंगे और चंद्रिका के बारे में बताएंगे। ठीक है बाबू, हालांकि देखो
आप लोग सुनते ही होंगे कि चंद्रिका से याद करने पर या याद करके जाओगे तो वहाँ पर पूरा नंबर काट लिया जाता। देखो अक्सर ऐसा क्या होता बाबू, जो यानी कि रट्टा मार के जाते चंद्रिका से विद्यार्थी, तो वह यानी कि क्वेश्चन लिखते लिखते वह भूल जाते हैं क्वेश्चन। जब वो लिखते लिखते क्वेश्चन भूल जाते हैं तो वो क्या करता है, क्वेश्चन को ना खिचड़ी बना देते हैं, यानी कि जो मन जो अपने ही मन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर रिजल्ट आते हैं, तो फिर रिजल्ट आने के बाद वो थर्ड डिवीजन होता, नहीं तो फेल हो जाता है, या फिर मुश्किल से सेकेंड डिवीजन होता है। तो वही विद्यार्थी लोग क्या करते, अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं कि चंद्रिका से नहीं लिखना, नहीं तो फेल हो जाता है, फन्ना चिन्ना वगैरह वगैरह, जो मन जो अपना एक तरह से बुझो कि शब्द इस्तेमाल करने लगता है। और एक तरह से बुझो कि जो विद्यार्थी टेंथ में गए हैं या फिर एग्जाम देने वाले, उसको भड़काते हैं, वे कभी नहीं बोलता कि हम क्वेश्चन को खिचड़ी बनाकर आए थे, ठीक है बाबू, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम क्वेश्चन को खिचड़ी बनाकर आए थे इसलिए हमारा नंबर कम आया। वो सिर्फ इतना ही बोलेगा कि चंद्रिका से पढ़ के मत जाना, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं बाबू, हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आप चंद्रिका से याद करके जाओ या फिर कहीं से याद करके जाओ, जो कॉपी चेक करते रहते सर, उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि आप जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आप कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिलता है, ठीक है बाबू। आई होप अभी तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम आपके किसी दिन आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकाल कर आपके लिए एक महत्वपूर्ण का पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है बाबू। तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।